सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे MSUB वडोदरा, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा की। तो MSUB हमारे वडोदरा गुजरात में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज चल रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो MSUB की स्थापना 1881 में हुई थी। बात कर लें NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास NRF 2024 का डेटा है जो MSUB ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 657 स्टूडेंट्स बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, जिसमें 490 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 75% के आसपास बन जा रहा होता है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियम सैलरी की, तो लगभग हमें 2023 में 5.5 LPA देखने को मिला, जो कि थोड़ा डिसेंट ही मैं बोलूंगा, ठीक ठाक हमें देखने को मिल जा रहा होता है। बात कर ले किस प्रकार के बीटेक ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं, तो BE बेसिकली बीटेक की बजाय यहाँ पर आपको BE का कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि काफी सिमिलर या फिर लगभग बीटेक ही बोल सकते हो। थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेज होते हैं अगर इंडिया में, अगर इन जनरल तौर पर हम बात कर ले तो। यानी कि एक स्टूडेंट अगर थोड़ा रिसर्च ढूंढना चाहता है, थोड़ा अगर वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीजें ढूंढ रहा है, तो लगभग चीजें सेम देखने में मिलेंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या कुछ एक्चुअल डिफरेंसेज होते हैं, तो बोलोगे तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा BE वर्सेस BTech में, लेकिन ऑलमोस्ट समझ लीजिए सेम ही होता है। तो BE के अंदर हमें देखने को मिलता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो ये सारे कुछ ब्रांचेस हमें आज के डेट में देखने को मिल जा रहे होते हैं डिसेंट प्लेसमेंट पैकेजेस। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो या तो आप क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, हमारा GUJCET का एग्जाम होता है, गुजरात का अपना स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है, या फिर JEE मेन के मार्क्स के बेसिस पर एग्जाम ले सकते हैं। और इन तीनों का जो भी मार्क्स रहेगा, इसके बेसिस पर आप ACPC काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास JEE मेन 2023 के लास्ट राउंड के कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल है फॉर ऑल इंडिया कोटा जनरल स्टूडेंट्स। लेकिन इस कट ऑफ डिटेल पर मुझे काफी ज्यादा डाउट है, वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं किसी एक वेबसाइट का ये डेटा है, जितने भी मैंने वेबसाइट पर देखा ऑलमोस्ट सेम डेटा या फिर सिमिलर डेटा बोल सकते हो मुझे देखने को मिला है। तो देखिए इस डेटा में दो दिक्कत मुझे लग रहा है। सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 9,245 रैंक पर। तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, खासकर अगर स्टेट गवर्नमेंट है और जिस प्रकार के फी स्ट्रक्चर में दे रहा है, फी स्ट्रक्चर भी बहुत अफोर्डेबल है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और प्लस अगर NRF 151 से 200 में है, तो इतना ज्यादा कट ऑफ 9 लाख तक जितना कंप्यूटर साइंस के लिए मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। वहीं दूसरा शक का पॉइंट ये जाता है कि अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 9 लाख पे क्लोज हुआ है, वहीं आप देखो जस्ट उसके नीचे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 9,20,000। कंप्यूटर साइंस और इस प्रकार के ब्रांचेस में हमें यूजुअल तौर पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है आपके कट ऑफ रैंक्स में। अगर आप नॉर्मल NITs की भी बात कर लो, तो 20,000-30,000 तो आपको कोई भी दो, मतलब अपर टाइप के ब्रांचेस जिसे आप कहते हो कंप्यूटर साइंस और नीचे वाले जो ब्रांचेस कहते हो आप, उनमें 20,000-30,000 तो आराम से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 20,000 है मुश्किल से। तो ये सारी चीजें मेरा काफी ज्यादा मतलब पॉइंट ऑफ डाउट बोल सकते हो जो बनता चला जा रहा है। लेकिन जो भी सारी चीजें, जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो से आपके MSU बड़ौदा से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें कि क्या सारी चीजें, क्या कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं। खैर अब अगर हम बात कर ले GUJCET का कट ऑफ, तो अगेन ये दिखा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इनका स्क्रीनशॉट है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं। लेकिन आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूं कि इनके हिसाब से 2021-22 और 23 का डेटा अवेलेबल है शिक्षा की वेबसाइट पर, SHIKSHA, तो शिक्षा की वेबसाइट पर जा सकते हो, जहां पर हम देख पा रहे हैं आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले BE, तो 2023 में क्लोज हुआ था 705 रैंक पर। तो ये सारे काफी कुछ जेन्यून लग रहे हैं। अब JUJCET हमारा स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है, तो इतना रैंक बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है कॉम्पिटिटिव रैंक है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता। लाइक JEE मेन का 705 और इनका 705 में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि JEE मेन आपका एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन वही हमारा GUJCET आपका एक स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। तो इसी प्रकार अगर कुछ एक दो ब्रांचेस का और बता दूं आपको, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7,264 रैंक पर क्लोज हुआ था, मैकेनिकल अगेन 7,250,
सिविल की बात कर ले तो 13,975। तो इसी प्रकार का हमें कुछ डेटा देखने को मिला है। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स ने कहा है काफी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगर हॉस्टल और मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दे, उसके बाद जितना भी कुछ इंस्टीट्यूट ट्यूशन एग्जामिनेशन फी जो भी सारी चीजें हो गई, पर ईयर हमें लगभग 10,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, यानी 4 साल में बस 40,000 रुपए के आसपास। अब अगर इसी के साथ हम बात कर ले कुछ स्कॉलरशिप भी हमें देखने को मिल जाते हैं तो फर्दर और कम हो जाएगा। देन अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस की, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कुछ कहीं पर कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन उसका पैसा आपको शुरू में नहीं देना होता, जिस हिसाब से खाना खाओगे उस हिसाब से आपको पैसा पे करना है, यानी कि एक बार में आप मेस का पैसा पे नहीं कर रहे हो, तो मेस का चार्ज तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि पर प्लेट का कुछ 40 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, खाना अनलिमिटेड होता है, 40 रुपए में एक प्लेट में जितना खाना है खाइए, लेकिन खाने का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होता। और पता नहीं क्या कुछ कैलकुलेशन रहा, लेकिन स्टूडेंट्स ने तो यही कहा है कि 40 रुपए पर प्लेट मतलब एक टाइम के मील का हमें देखने को मिलता है और लगभग 100 रुपए दिन भर का हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हॉस्टल की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 10,000 रुपए हमें हॉस्टल का एक साल का फी देखने को मिलता है, जिसमें 3,000 रुपए रिफंडेबल है, यानी पर ईयर 7,000 रुपए ही हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इतना सस्ता सा अफोर्डेबल आपका, चाहे हॉस्टल फी कह लीजिए, इंस्टीट्यूट ट्यूशन सब कुछ मिलाकर एक काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। तो हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा MSUB आपके वडोदरा गुजरात में 275 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट सा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले एक्सपेक्टेशन, उससे हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ दो प्रकार के मुझे इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्लेंड देखने को मिले हैं। सबसे पहला आगे से जो आपको लुक देखने को मिलेगा, जो ज्यादातर फोटोज में आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपको कुछ इस प्रकार का लुक मिलेगा, लाइक थोड़ा पुराना बोल सकते हो, रॉयल बोल सकते हो, थोड़ा महल टाइप बोल सकते हो, महाराजा नाम भी है इनका, तो कुछ इस प्रकार का आपको टच एंड फील देखने को मिलेगा। लेकिन वही दूसरे साइड का कुछ कैंपस है जो थोड़ा सा आज की डेट में जो हमें नॉर्मल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, उस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो दोनों मिक्सड हमें देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेशन की जरूरत है। ओवरऑल अगर बात कर ले तो कैंपस हमें देखने में खूबसूरत लगता है, और शुरू में मुझे लगा जो आपके डोम शेप के ऊपर में देख रहे हो, जो हमारे पुराने टाइप के बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, पास से मैंने देखा तो ठीक ठाक ये भी देखने में लग रहे, उतने पुराने भी देखने में नहीं लग रहे, और ऊपर से जो डोम देख रहे हो ब्लैक कलर का, पहले मुझे लगा कि ये हो सकता है गंदा हो गया हो, लेकिन कुछ फोटोज में मैंने देखा कि सिर्फ डोम कैसे ब्लैक हो सकता है गंदगी की वजह से, बाकी सारे फिर इनके छत क्यों नहीं गंदे हुए। तो इतने छोटे छोटे मैं पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, तो जितना मुझे लगता है इनका कलर है, एक्चुअल कलर है। खैर, जो भी स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को देख रहे हैं आपके MSUB से, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि ये डोम्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत मेजर पोर्शन है जो कि एक ओवरऑल लुक को बढ़ाता या घटाता है। तो अगर बता सकते हो बताइए, एक्चुअल कलर है या फिर समय के साथ कलर डिग्रेड हो गया है, तो जो भी सारी चीजें, क्योंकि देखिए देखने से अगर ये कलर डिग्रेड हुआ है तो देखने से ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा इन्हें रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन अगर एक्चुअल कलर ही यही है तब फिर ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अगर उसी बिल्डिंग की बात कर लें तो ठीक ठाक मुझे ऐसा बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत वाले बिल्डिंग्स भी नहीं लगे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक बार डोम वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे भी पर्सनली जानना है कि क्या कुछ हमें देखने को मिला है। तो अब अगर हम बात कर ले, अच्छा हाँ लिख ही रहे हो तो और भी सारी चीजें लिख दीजिए, किस प्रकार का और नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज लाइफ कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं, जो भी आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हो, जितनी भी सारी चीजें शेयर करनी है, पॉजिटिव हो गई नेगेटिव हो गई, कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। अब अगर बात कर ले अपने क्लासरूम्स की, तो स्टूडेंट्स ने बताया वेल फर्निश्ड क्लासरूम देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टर्स या फिर जो भी स्मार्ट क्लासेस वाले फैसिलिटीज है फुल्ली इक्विप्ड हमें देखने को मिलते हैं। हॉस्टल्स की अगर बात कर ले तो 2-सीटर 3-सीटर 4-सीटर रूम्स बताए गए, सिंगल सीटर स्टूडेंट्स ने नहीं बताया है। और हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया स्टूडेंट्स ने बताया है कि जितना आपका दूर है घर कॉलेज से, उस हिसाब से डिसाइड होता है किन्हें हॉस्टल मिलेगा या नहीं, आपके एकेडमिक से भी कुछ ना कुछ डिसाइड हो रहे होते हैं, तो यानी कि हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है। और यूजुअल तौर पे जो भी हमें सारी चीजें देखने को मिलती है किन्हें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस प्रकार के कॉलेजेस में, तो दो फैक्टर होता है, घर आपका कितना दूर है कॉलेज से, और दूसरा फैक्टर एकेडमिक्स में आपने कैसा परफॉर्म किया है, यानी मेरिट बेसिस प्लस घर से डिस्टेंस, ये दोनों फैक्टर होते हैं। तो इस कॉलेज के लिए भी जितना स्टूडेंट्स ने बताया मिक्स्ड ओपिनियन मिलाकर यही मुझे कुछ देखने को मिला है। अब अगर हम बात कर ले हमारे मेस का फैसिलिटी, मैंने बता दिया डिसेंट, हर एक एवरेज मेस की तरह स्टूडेंट ने बताया, कुछ ने ठीक बताया है
और कुछ ने उतना कुछ खास नहीं बताया, लेकिन गुजरात का जितना भी मैंने मेस देखा है, मुझे कुछ दो बातें कॉमन दिखी हैं कि नॉर्मल बाकी सारे मेस से बेटर टेस्ट हमें देखने को मिलता है, बढ़िया क्वालिटी हमें देखने को मिलता है, और दूसरा सिर्फ वेजिटेरियन मुझे देखने को मिलता है। हो सकता है कहीं आपको नॉनवेज देखने को मिल जाए, लेकिन एज अ गुजराती ऑल ओवर कल्चर मैंने जितना देखा है नॉनवेज नहीं चलता है, जिसके वजह से ज्यादातर आपके गुजरात के कॉलेजेस में भी सिर्फ वेजिटेरियन खाना देखने को मिलने वाला है। बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन बता रखा है कि अच्छे खासे अमाउंट में इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी प्रेजेंट हैं, और इस हद तक प्रेजेंट है ताकि आप अपने अगर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के लिए किसी भी स्पोर्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है IITs के जितने या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके बराबर के आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को ना मिले, लेकिन स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत तो नहीं बताया स्पोर्ट्स फैसिलिटी से। इवन अगर हम बात कर ले अपने इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि अच्छे खासे लेवल पर इवेंट्स एंड फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, जो भी हमारे एनुअल टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट हो गए, अच्छे खासे लेवल पर चीजें हमें देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बढ़िया तौर पर चीजें हो रही होती हैं। आपके अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स के बारे में बात कर ले, तो टेक्निकल कल्चरल एंड सोशल क्लब्स डिसेंट अमाउंट में प्रेजेंट ही हैं, तो कॉलेज लाइफ ठीक ठाक कट जा रहा होगा, कॉलेज लाइफ में कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो यही सारी कुछ चीजें हमारे इस इंस्टीट्यूट को लेकर। अच्छा, अभी जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मैं कुछ ऑनलाइन रिव्यूज भी स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे मिला कि इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो क्लासरूम्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने तो कहा है कि प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास वाले सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, थोड़े फर्निश्ड क्लासरूम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि हमें ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओल्ड क्लासरूम टाइप देखने को मिलता है, तो जिसके वजह से थोड़ी बहुत डिसलाइक्स मिली है इस इंस्टीट्यूट के क्लासरूम्स को। तो क्लासरूम्स को लेकर मिक्स्ड ओपिनियन आया स्टूडेंट्स की तरफ से। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ओल्ड क्लासरूम है लेकिन स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कहीं पर स्टूडेंट्स का कहना है कि फर्निश्ड क्लासरूम देखने को मिलेंगे, यानी ओल्ड क्लासरूम ही हमें देखने को मिल रहा है जैसा स्टूडेंट्स ने कहा है, बट उसी में जिस तरीके से फर्निश करने की कोशिश की गई अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स, उस लेवल का इनके हिसाब से फुल फर्निश्ड देखने को मिल जा रहा है, यानी कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से सेम क्लासरूम फुल्ली फर्निश्ड है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एक स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और जिस प्रकार का हमें एक पैलेस लाइक थोड़ा सा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स के लिए ओके है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को थोड़ी शिकायत है ओल्ड टाइप हमें क्लासरूम देखने को मिलते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें, कुछ और चीजें अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि फूड की फैसिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है, आई डोंट लाइक द अटेंडेंस शीट बिकॉज इट्स कंपलसरी 80% फॉर द लैब, लैब के लिए 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आज के तो इस वीडियो में इतने हैं। जो भी स्टूडेंट MSUB से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।